तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है। बैठक में भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी की ओर से बैठक होने जा रही है। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक आज लखनऊ में होगी। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है। तो बैठक में भूपेंद्र चौधरी और साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है। बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक है और राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक होने जा रही है। तो बैठक में भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य शामिल होने जा रही हैं। तो बीजेपी कोर कमेटी की आज ये बड़ी बैठक लखनऊ में हो रही है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक है। मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक हो रही है। बीजेपी कोर कमेटी की आज ये बैठक लखनऊ में हो रही है। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर ये बैठक होगी। तो मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक है और बैठक में भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो बड़ी बैठक आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर हो रही है और इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। शाम 4 बजे इस बैठक का आयोजन होगा और बीजेपी कोर कमेटी की आज ये बैठक है। अश्विन, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बीजेपी कोर कमेटी की आज ये बैठक होने जा रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए 10 सीटें रिक्त हो रही हैं। आज इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसको लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। हालांकि जो अभी तक की स्थिति बन रही है उसके अनुसार 7 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही, इसके अलावा 3 सीटें जो है समाजवादी के पास पार्टी के पास जा रही हैं, क्योंकि एक राज्यसभा सांसद सीट के लिए 37 विधायकों का होना जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उसका आंकड़ा देखे, गणित देखे, तो 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर लेगी। साथ ही साथ 3 सीटें इस बार जो है समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे। हालांकि इससे पहले जब पिछले चुनाव हुआ था उसमें 10 सीटों में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और महज 1 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, क्योंकि पिछले चुनाव में महज 40 सीटों के साथ विधायकों के साथ में जो है सदन में समाजवादी पार्टी पहुंची। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब 7 कौन से उम्मीदवार होंगे इस पर चर्चा होगी। इस बार बताया जा रहा है कि कुछ विशेष नाम चल रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश से जो है राज्यसभा भेजा जा सकता है। फिलहाल वर्तमान समय में वो हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और दिग्गज नेता माने जाते हैं, काफी जानकार माने जाते हैं, उनको भी एक बबार फिर उनके नाम पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा 5 अन्य नाम हो सकते हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है कि आखिर वो 5 नाम कौन हो। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है रणनीति तैयार करेगी। हालांकि फिलहाल अगर कोई इसके अतिरिक्त कैंडिडेट नहीं उतरता है तो चुनाव नहीं होने की आशंका है। कहीं ना कहीं जो निर्विरोध जो है प्रत्याशी वो चुन लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि वो कौन से नाम हो, 7 नाम जो राज्यसभा के लिए भेजे जाए उस पर आज मंथन उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज है वो बैठकर करेंगे। जी चलिए, ठीक है अश्विनी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।